हाय अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। और अभी हम लोग रास्ते में हैं। आज अचानक से जो है गाड़ी में व्लॉग शुरू किया है मैंने, और काफ़ी दिनों बाद जो है अभी हम लोग कराची जा रहे हैं। मेरी आवाज़ बड़ी अभी सोई सोई सी है क्योंकि सुबह का अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 8 बज रहे हैं, 8:30 समथिंग इस तरह हो रहा है। सुबह सुबह का कराची जाना, लाइक अभी हम लोग काफ़ी टाइम बाद जो है ना इतनी सुबह निकले, तो इसलिए अभी हम लोग नाश्ते की तलाश में हैं। नाश्ता करेंगे, उसके बाद जो है एक और जगह जाएंगे, फिर वहाँ से होने के बाद हम लोग कराची के लिए निकलेंगे। हमें जो है ना आज तीन काम है कराची में, वो क्या है खैर मैं अभी आप लोगों को व्लॉग का एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मुझे खुद नहीं पता आज क्या होने वाला है, हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। वीडियो को एंजॉय करो। तो पीछे जो है कोई भी नहीं है, बस मैं अकेली हूँ बैठी यहाँ पे, और अम्मी पापा बैठे हैं आगे। अभी बुकिंग करेंगे हम 7 नंबर से पर। हाँ ठीक। गाड़ी खड़ी करेंगे कराची कराची आवाज लगाएंगे, जितने बैठा बढ़िया। वाकई। तो अभी डिसाइड नहीं हो रहा कि हम नाश्ते में क्या खाएं, हलवा पूरी खाएं या अंडा पराठा खाएं, क्योंकि मैं तो डाइटिंग पे हूँ। तो इसलिए मैं अंडा पराठा ही खा लेती हूँ। पराठा डाइट वाला पराठा, पूरी में क्या फर्क है? वो ऑयल में डीप होता है पूरा, पूरी जो होती है। सुलेमानी पराठा खाओ। एंड पराठा जो होता है सुलेमानी चल गया है। ये क्या है सुलेमानी? मतलब ये नाम होता है। अच्छा सुलेमानी होती है ना, सुलेमानी टोपी। घी तो होता है ना, लेकिन बहुत प्राय नाम होता है, तर नहीं होता है। अच्छा सुलेमानी पराठा, सुलेमानी पराठा उसमें हल्का सा होता है, लेकिन यहाँ तो मिलेगा पूरी। तंदूरी पराठा होता है पापा, जिसमें बिल्कुल जो है ना तेल नहीं होता। तो एनीवेज अभी हम लोग नाश्ते की तलाश में है, नाश्ता करते हैं। देखो है, मैंने शीट्स लगाई हुई है हो रहा है हमारा, पूरियां बन रही है बोरिंग गरम गरम। यहाँ इसी लेकर आते थे संडे को हम लोग पूरियां जब भी खाते हैं। वो देखो वो गरम गरम पूरी बन रही है। यहाँ पर बैठ के खाने में जो मज़ा है ना, वो घर ले जाकर खाने में मज़ा नहीं है, क्योंकि जब घर लेकर जाते हैं तो शॉपर में पूरियाँ सारी यूँ हो जाती हैं। यहाँ खाओ ना तो वो ऐसी फूली फूली आती है, बंदा उसको हाँ खाए मज़ा है। उसमें पूरी टेबल है। अरे हलवा दे दो, अरे हलवा दे दो, हलवे के बगैर गुजारा नहीं। अरे भाई क्या करें, हम कहाँ जाएं समझ नहीं आता। पूरियों को देख भी लूँ ना मेरी आंखें मोटी हो जाती है। मैं देख भी लूँ ना पूरियों को मेरी आंखें मोटी हो जाती है। खैर हम क्या करें, आज मजबूरी खा लेते हैं। कोई बरकती कस्टमर रहे हम इसके लिए, रश लग गया है भाई दुकान में। जब हम आए थे तो कोई नहीं था। अभी मैंने ये इनर कैप लगाया है क्योंकि इसका बार बार हिल रहा था बहुत ज़्यादा, मैंने इनर कैप लगा लेकर आ गई थी। तो अभी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करके फ्री हुए हैं, और जो है ना पापा लेने गए हैं मेरे लिए पेन। क्योंकि मुझे डायरी में काम था, दरअसल मैं जा रही हूँ अपनी रिकॉर्डिंग के लिए, और आज मेरी एक नहीं दो रिकॉर्डिंग है, और आप लोगों को बहुत जल्द सुनने को मिलेगा। और जो है ना हुई अम्मी बाइक देखो कैसे चला रहा है, लेट कर गया हूँ अब क्या, और रुके या क्या बोली का है। तो इस तरह की हरकतें मत किया करो भाई, कदम से दिल अजीब सा हो जाता है। हैं मतलब ये जो करते हैं लेट लेट के गाड़ियाँ चलाना, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, हो भी जाते हैं। तो खैर या मैं अपने कलाम रिकॉर्ड कराने के लिए जा रही थी, और इसमें मेरे जो है ना इसमें मेरे कलाम लिखे हुए हैं, दो कलाम लिखे हुए हैं। तो आप लोगों ने गेस करना है कि मैं कौन से कलाम जो है अभी रिकॉर्ड करवाने के लिए जा रही हूँ। एक कलाम जो है वो एक कलाम जो है
एक कलाम जो है वो पंजाबी में है, एक कलाम जो है वो अरबिक में है, मतलब दोनों, मतलब मैंने आज तक जो कलाम मैंने पढ़े हैं, जो अदा किए हैं, वो मैंने उर्दू में पढ़े हैं, लेकिन आज जो मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रही हूँ, एक बोलने वाला होता है दिमाग तो उसको पहले से चीजें रख दे क्या कर तो आज जो मैं कलाम रिकॉर्ड कराने जा रही हूँ, एक पंजाबी में है और एक अरबिक में है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है हमारा कराची और हम लोग पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा टचअप कर लेंगे क्योंकि हम लोगों ने जो है ना घर पे भी जाना था, और उसके बाद जो है हम लोगों ने शॉपिंग पे जाना था, उसके बाद स्टूडियो जाना था, पापा ने मीटिंग में जाना था। तकरीबन सुबह से ही हम लोग जो है ना अपने कामों में लग गए थे, अल्लाह का शुक्र है, और सारे काम मुकम्मल तरीके से भी हुए, लेकिन जो है यहाँ पर मैं बैठ गई तैयार होके। चलो अब कराची आ गया है भाई, और ये हमारा टोल प्लाजा आ गया है, सही है। अच्छा जी, तो अभी जो है ना फ़िलहाल जो है वो सुबह का 11 बज रहे थे और 11 बजे हम लोग कराची पहुंच गए। तो आज क्या क्या हम लोग शॉपिंग करने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं, और क्या क्या, मतलब इतना ज़रूरी था ना आज कराची आना, वो क्यों था, सारी चीज़ें अभी इस ब्लॉग में आप लोगों को एंड तक देखिएगा, देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर लेना, कॉमेंट्स करके भी बता दीजिएगा, साथ साथ में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, हर जगह। तो यहाँ पर आ गए हैं हम लोग कराची। कराची पहुँचते ही हम लोग घर गए, हमें मिलना था, और उसके बाद जो है ना तकरीबन 2-3 घंटे हम यहाँ पे बैठे, लंच किया, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा भी वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं किया, और इसके बाद जो है तकरीबन थोड़ा सा 4 बजे दोपहर का, उसके बाद हम लोग चले गए थे गुल प्लाज़ा, हमें जाना था, वहाँ से हम लोगों ने कुछ ज़रूरी सामान लेना था, ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। तो भाई मतलब ये गुल प्लाज़ा जो है ना, ये काफ़ी लोग जानते होंगे, कराची में बहुत ज़्यादा मशहूर है, यहाँ पर क्रॉकरी बहुत अच्छी मिलती है, बेडशीट हो गई, और बहुत तमाम चीज़ें ना यहाँ पर बहुत 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 अच्छी मिलती हैं। तो जो है ना अम्मी, वैसे यहाँ पर अम्मी को बहुत अच्छे से आइडिया है क्रॉकरी वगैरह का, तो अम्मी ना मुझे भी साथ लेकर आई थी, तो यहाँ पर जो है ना अम्मी, वैसे पहले गुल प्लाज़ा का जब अम्मी का आपने व्लॉग देखा होगा तो अम्मी ने काफ़ी सारा सामान यहाँ से लिया हुआ है, वो आप लोगों को दिखाया भी है, लेकिन इस बार जो है ना अम्मी मुझे साथ लेकर आई थी, तो मेरी और अम्मी की दोनों की पसंद का जो है ना हम लोगों ने फिर काफ़ी सारी यहाँ से चीज़ें भी लीं, और जो है ना फिर ये हुआ कि मतलब क्रॉकरी हम लोगों ने थोड़ी सी, अम्मी ने काफ़ी ज़्यादा ले चुकी थी, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ से थोड़ा सा सामान लिया, और उसके बाद जो है अच्छा यहाँ पर ना मतलब इस तरीके का सामान मिलता है कि बहुत यूनिक तरीके की जो है ना वो क्रॉकरी मिलती है। ये टी शर्ट आप लोग देख सकते हो, ये कितना अच्छा लग रहा है मुझे अभी ना वीडियो में भी, मैं इसको देख रही हूँ तो सोचा था कि अम्मी को बताऊँगी कि अम्मी ये कितना अच्छा लग रहा है अलग ही कुछ यूनिक सा बना हुआ है ना, तो मुझे बहुत पसंद आया था ये। इसके बराबर में जो रखा हुआ वो भी पता नहीं कौन सा सेट है, खैर तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को इस शॉप पर क्या अच्छा लग रहा है। अच्छा ये एक ही शॉप की मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो इतनी अलग अलग तरीके की क्रॉकरी है, और वैसे तो पूरी मार्केट बनी हुई, तो पूरी मार्केट घूमो तो फिर वो तो अलग ही एक दिन चाहिए भाई उसके लिए, लेकिन हमें जो ज़रूरी सामान चाहिए था हमने एक ही शॉप से लिया, और वो हमने गाड़ी में भर के रख दिया। इसके बाद जो है ना हम लोगों ने कुछ ज़रूरी सामान और भी कुछ लेना था यहाँ से ही, और कौन कौन लोग यहाँ से जो है ना शॉपिंग करते हैं, खास करके ना जो है कराची में जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, आइडिया होगा, और ये है तो यहाँ पे कटर वगैरह और पता नहीं क्या क्या भाई चीज़ें मिल रही थी, बहुत ही अच्छी अच्छी मिल रही थी, बहुत ही प्यारी चीज़ें मिल रही थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बेडशीट देखने के लिए आ गए थे, और ये
बड़ी कोई फैंसी और अच्छी अच्छी मिलनी थी, हैदराबाद में ऐसी बेडशीट्स नहीं मिलती, तो इसलिए हम लोग जो है ना गुल प्लाजा से बेडशीट लेते हैं। जो फैंसी लेनी होती हैं या थोड़ी सी हैवी वाली लेनी होती ना, मतलब किसी इवेंट वगैरह में बिछानी हो या इस तरीके से, तो ये वाली बेडशीट जो है ना वो अम्मी यहाँ से लेती हैं। और बाकी जो कॉटन वगैरह की होती हैं वो तो हम हैदराबाद से ही ले लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने, अम्मी ने काफ़ी सारी बेडशीट्स पहले भी लेकर गई थी, इस बार जो बेडशीट्स हैं वो मतलब अम्मी मेरे साथ लेकर आई थी, तो फिर मैंने पसंद कर लिया था। कुछ मतलब बेडशीट्स वगैरह लेनी थी और कंबल वगैरह लेने थे यहाँ से, तो ये है। अच्छा जी, ये वाला जो कंबल है ना, ये बड़े बड़े फूल बने हुए थे, बड़ा मतलब ये, लेकिन मुझे इसका कलर कुछ ना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ मतलब वो अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन मुझे कलर इसका कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। इसके बाद उन्होंने दिखाया हमको एक और कलर जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और वही कलर जो है हमने ले लिया, मतलब ये वाला। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि ये कैसा लग रहा है। अच्छा जी, तो ये है कि बहुत ही कोई ज़बरदस्त क्वालिटी का जो है ना, अभी ने फिर यहाँ से कंबल लिया। सर्दियाँ भी आ रही हैं और सर्दियों में ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं भाई, तो इसलिए ना अब ये है कि हमारी सर्दियों की शॉपिंग हो रही है। रेड कलर का कंबल भी था, लेकिन मैंने कहा नहीं, ज़्यादातर जो है ना वो मुझे रेड कलर इन चीज़ों में पसंद नहीं आता, ऐसा लगता है वो ऊँट उड़ के घूम रहा है। यार सबकी अपनी पसंद होती है भाई, लेकिन मैंने ना जो है वो ब्राउन पसंद आया था, तो बस ये है कि फिर हम लोगों ने ये ले लिया क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों के लिए कंबल चाहिए। अब ये सामान हमारा पैक हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग हमारी हो गई कंप्लीट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे स्टूडियो में। स्टूडियो आते आते थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे क्योंकि ट्रैफिक भी था, और दूसरा थोड़ा सा कुछ ना जो है लेट हो गए थे, तो जिसकी वजह से मतलब दो नात रिकॉर्ड होनी थी और दो नात रिकॉर्ड हुई भी। लेकिन ये है कि हम लोग हैदराबाद से यहाँ पर कराची इतने दूर आते हैं, तो इसलिए हमारा जो स्टाफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर लेता है कि नहीं अब इनको बहुत दूर जाना है, और ज़ाहिर है कराची आना जाना कोई आसान काम नहीं होता, इसलिए काफ़ी जो है ना हमारा स्टाफ वो जो है कोऑपरेट कर लेते हैं। तो बहुत जो है ना एक दो घंटे में दोनों नात रिकॉर्ड हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है, और बहुत 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 मज़ा आया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को सुनने को मिलेगी और बहुत अच्छी भी लगेगी, दुआ करती हूँ। दूसरा ये कि यहाँ पर जो है ना मैं पंजाबी लिरिक्स जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर ट्राई कर रही थी, तो ये था कि वो भी कह रहे थे कि पंजाबी नात लेकर आ गई हैं आप, और एक थी अरबिक नात। अब ये आप लोगों ने गैस करनी कि वो कौन सी हो सकती है। स्टार्ट। अच्छा आप अपना सुन भाई, ठीक है। दोबारा से सही कर दिया मैंने, कर दिया सही, हो गया ये देखें। इसको स्लो में पढ़ना है या फास्ट में पढ़ना, नॉर्मल स्पीड में, इसमें डफ लगेगी है ना। हाले दिन में आपने डफ लगवाई थी, ऐसे ही बोलो। हाँ हाले दिन में डफ लगाई जाएगी। कितने व्यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों नात हमारी जो है ना यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, बस जो है फाइनल वो चल रहा था यहाँ पे सुबह की। हम लोग उठे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे, भूख भी लग रही थी क्योंकि सुबह 7 बजे की मैं उठी थी, बस फजर की नमाज़ अदा करके मैं सोई थी और 1 घंटा नींद पूरा करके उठ गए थे वापस। अल्लाह का शुक्र है मेरे दोनों कलाम जो है ना रिकॉर्ड हो चुके हैं, और एक पंजाबी था एक अरबिक था, दोनों कलाम अल्लाह का शुक्र है दोनों हो गए, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक कलाम जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड होगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द आप लोगों को सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। आप लोगों ने गेस करना है कि मैंने कौन सा कलाम
जो है ना पड़ा होगा, और मैं इतना गैस कर देती हूँ कि मेरे चैनल पर जो होगा वो पंजाबी में है, ठीक है ना। तो ये है, और दूसरा ये कि दूसरा जो मेरा कलाम होगा वो स्टूडियो वालों के उस पर होगा चैनल पर। तो खैर मैं जो भी है ना उसका लिंक लगा दूंगी, अपने इंस्टाग्राम पे सुनना हो मेरी आवाज़ में कलाम तो सुन लीजिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ना अभी हम लोग फ्री हो चुके हैं, रात के हमको बज रहा है 11। हम लोग पहले शॉपिंग के गए, 12 बज रहे हैं, शॉपिंग पे गए, शॉपिंग से हम लोग फ्री हुए, फिर हम लोग 8:30-9 बजे स्टूडियो गए, और उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने नात हमारा शूट हुआ, मतलब रिकॉर्ड हुआ। अम्मी बैठी हुई थी मेरे साथ, पापा लोग गाड़ी में थे। इसके बाद जो है फिर अल्लाह अल्लाह करके वो हो गया। अब हम लोग हैदराबाद जाने की तैयारी कर रहे हैं, भूख बहुत तेज़ लग रही है। खाने में देखो आज पता नहीं क्या खाएंगे, अम्मी क्या खाएंगी आज देखो। ये शराब कोट मत निकल जाना, क्योंकि मुझे बिरयानी खानी है, मैंने दोपहर में बिरयानी नहीं खाई थी। तो ये है, अच्छा आते हुए हम लोग जो है हमारी गाड़ी में सतबाजी और वो थे लाइबा, अभी गाड़ी जो है खाली जा रही है, और अभी बस खाना खा के मैंने आराम से बैठ जाना गाड़ी में। तो अभी फ़िलहाल हम लोग घर जाएंगे, और फिर पता कितना टाइम हो जाएगा, मोबाइल भी मेरा चार्ज नहीं है, क्या पता रास्ते में ही बैटरी लो हो जाए, बंद हो जाए, तो क्या पता आगे का व्लॉग घर से शुरू हो, अभी से बता रही हूँ। चलो फिलहाल बहुत लंबे टाइम के बाद हम लोगों को ये देखने को मिल रही है बिरयानी हलीम, और हाँ मंगवा लो हनी, मैं ही मंगवाया था हरी मोन। तो पूरा रास्ता तो मैं सोकर आई हूँ, उसके बाद जो है ना रात के हमें तकरीबन 4 बज गए थे, फिर मैं जागती रही, फजर की नमाज़ अदा करी है, और उसके बाद हम मैं सोने के लिए जा रही हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।